लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद आज पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। संसद का सत्र आज शुरू हो चुका। एक तरफ पीएम मोदी समेत 2024 का चुनाव जीतकर सांसद अपनी शपथ लेकर के औपचारिकता पूरी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पहले ही दिन से सरकार को घेरने में जुट गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सत्र से पहले सबके साथ सहमति बनाकर सरकार चलाने की बात कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश दोनों ही अलग रूप में दिखे। इसके साथ ही उनकी पार्टियां भी, खासकर इंडिया ब्लॉक के नेता, प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो भी सदन के बाहर। दरअसल आज से 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो गई और इस सत्र में सभी सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जिसमें से पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सांसदों ने शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले एनडीए ने ओडिशा से सांसद, बीजेपी के सीनियर नेता और लगातार 7 बार से सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई। इस पर विपक्ष नाराज है और अपनी आपत्ति जताते हुए पहले दिन से ही सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश के दावे की अनदेखी की है, जो कि सबसे सीनियर और 8 बार से सांसद है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक संविधान की प्रतियां लिए हुए बाहर विरोध दर्ज कराते हुए दिखे। अखिलेश अपनी पार्टी के 37 सांसदों के साथ हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे और गेट पर ही प्रदर्शन करने लगे। खास बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के गले में खास लाल रंग का गमछा पड़ा हुआ था। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष प्रोटेम स्पीकर के सबसे सीनियर सांसद को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने से खफा है। इसके साथ ही परंपरा तोड़ने का आरोप तक लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के बड़ी बातें कही हैं। जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे, कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। बीजेपी के ओडिशा से सांसद और सीनियर नेता भर्तृहरि महताब को लोकसभा का स्थायी स्पीकर बनाया है और इसका पहले दिन से ही विपक्ष विरोध कर रहा है। जब नाम की घोषणा हुई थी तभी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब एक बार फिर से संसद सत्र शुरू हुआ है तो हंगामे के साथ ही विपक्ष ने सरकार के ऊपर इस पद पर सांसद के सुरेश की दावेदारी की अनदेखी का आरोप लगाया है, जो 8 बार से सांसद हैं। और इसी के साथ ही 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के दौरान पहले ही सत्र में दोनों सदनों में भयंकर टकराव के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।